हेलो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली। आज हम दो चीज़ सीखते हैं। पहला क्या? पहला ये कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। देन सेकंड हम सीखते हैं टैली में कंपनी कैसे डिलीट मारते हैं। ठीक है, आज हम ये दोनों चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? पहले हम लोगों को टैली ओपन करना होगा, फिर हमें उसमें वर्क इन एजुकेशन मोड में जाना होगा। देन क्लिक ऑन सिल्वर मोड और गोल्ड एडिशन मोड, क्लिक ऑन कंपनी इन्फो, देन शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, फिल फॉर्म कंपनी फॉर्म एंड सेव द ट्रांजेक्शन्स। ये करने के बाद हम लोगों के सामने एक ऐसी स्क्रीन आती है, ये स्क्रीन आएगी हम लोगों के सामने। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना टैली ओपन करते हैं फटाफट से, फिर देखते हैं हम लोग हमारा टैली कहाँ पर है। ये रहा हमारा टैली। हम लोग अपना पहले टैली ओपन करते हैं। हम लोगों का टैली ओपन हो चुका है। ठीक है, हमको किस में जाना है? वर्क इन एजुकेशन मोड। ठीक है, देन हम लोगों को क्या करना है? क्रिएट कंपनी। पहले हम सीख रहे हैं कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम लोगों को किस में जाना है? क्रिएट कंपनी में। अब मैं कोई भी कंपनी बनाता हूँ, सपोज के मैंने बनाया राजा ट्रेडिंग, राजा राजा ट्रेडिंग कंपनी। देन एंटर मारा, उसका एड्रेस यहाँ पर डालता हूँ। सपोज के मैंने इसका एड्रेस डाला कि यहाँ पर एड्रेस है अम्बाला रोड। ठीक है, देन आपका सहारनपुर। अब ये सहारनपुर होता कहाँ पर है? इंडिया में। इंडिया में किस जगह पर? कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। देन पिन कोड क्या है उसका? वो मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करी कि मेरी फर्म किस शहर में है, क्या एड्रेस है उसका। देन फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, जो भी मेरे पास चीज़ है अपनी फर्म के रिगार्डिंग, वो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। ठीक है, देन फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, कब से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। सपोज़ कि ये आपका 19-20 चल रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली डेट को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कब से आपने बुक्स मेंटेन करना स्टार्ट की है, वो यहाँ पर दिखाएगा। देन यहाँ पर एक फंक्शन और अच्छा होता है टैली का, वो होता है पासवर्ड क्रिएट करना। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका डाटा सेव नहीं है, सेफ नहीं है इन फ्यूचर, या कोई भी आपके डेटर क्रिएटर नहीं देखें, या आपका स्टॉक चेक ना करें, ठीक है, तो आप यहाँ पर पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। देन हम लोग यहाँ पर जो इतने फंक्शंस होते हैं हमारे बचे हुए, इसको मैं बिल्कुल भी टच नहीं करना होता है, बट हम फिर भी समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सब टैली ने सेट कर रखे होते हैं। देन ये पूछता है आपका बेस करेंसी सिंबल क्या है, कि हम तो इंडिया में हैं, हमारा रुपीज़ चलता है, तो रुपीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिकली टैली ने हमारा ले रखा है, INR इंडियन रुपीज़ कहते हैं। देन सफिक्स अमाउंट टू अमाउंट, इसको नो रहने देना है। देन आपका एज चाहिए, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट सिंबल, येस ओके। अमाउंट आपको मिलियंस में चाहिए, नो। तो हमने कुछ नहीं किया, ये टैली ऑटोमेटिकली सब फंक्शंस को हमारा सेट करके रखता है। देन ये पूछ रहा है नंबर इन डेसिमल प्लेसेस। आप जानते हैं डेसिमल प्लेसेस क्या होता है? देखिए, सपोज कि मेरी जो फिगर आती है वो आती है 2.997, तो ये पॉइंट के बाद कितनी हमारी प्लेसेस आ गई? 3 डेसिमल आ गई। बट हमने क्या कर रखा है? हमने क्या रखा है? नहीं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सिर्फ 2 ही एक्सेप्ट करना है आपको टैली। तो टैली सिर्फ आपके कितने एक्सेप्ट करेगा? 2 एक्सेप्ट करेगा। क्या होता है? पैसा होता है। छोटी जो अमाउंट होती है, छोटा जो मेजर होता है, क्या होता है? रुपये का, वो पैसा होता है। देन एंटर एंटर। कितना आसान था, हम लोगों ने अपनी कंपनी अपनी फर्म की क्रिएट कर चुके हैं टैली में, जैसे मैंने राजा ट्रेडिंग कंपनी बनाई थी। अब हमारे सामने गेट ऑफ टैली आ चुका है। अभी गेट ऑफ टैली में हम लोगों को यहाँ पर काम करना होता है, हम लोगों को यहाँ पर काम करना होता है। बट जब हम जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगे, तो हम हर एक फंक्शन पर अपनी R&D करेंगे, हर एक फंक्शन को हम डीप से समझेंगे, क्या होता है, क्यों येस करते हैं, क्यों नो करते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, यूटिलिटीज़ वाला पोर्शन, रिपोर्ट्स वाला पोर्शन, हम सबको एक एक करके उस पर R&D अपनी करते हैं। बट अभी फिलहाल हमारी क्लास किस पर है? हमारी क्लास है कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी एंड हाउ टू डिलीट अ कंपनी। अब मुझे चलिए एक कंपनी और बनाता हूँ। ठीक है, सपोज मैं, अब मुझे एक कंपनी और बनानी है, मुझे गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो में जाना है। कहाँ जाना है? कंपनी इन्फो में। या तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या ये कंपनी इन्फो? देखो, अगर किसी भी चीज़ के नीचे सिर्फ एक पॉइंट, एक निशान है, एक, मैं अगर हिंदी में कहूँ, देसी भाषा में, तो एक डंडा है अगर, तो आपको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, और अगर डबल है तो आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपली आपको प्रेस कर देना है। सपोज़ के यहाँ पर लिखा है F11, यहाँ कुछ है डंडा नहीं है, तो सिंपल F11 प्रेस करूँगा तो वो फंक्शन खुल जाएगा। बट अगर मुझे इस कंपनी इन्फो में जाना है, तो मुझे या तो मैं यहीं से क्लिक कर दूँ, या फिर मैं Alt F3 प्रेस करूँ, तो मैं यहाँ कंपनी इन्फो में पहुँच जाऊँगा। अब मुझे इस कंपनी में अगर कोई चेंजिंग करनी है, क्या चेंजिंग करनी है? सपोज़ कि मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना भूल गया, तो मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, या फिर मैं अपनी इस पर वेबसाइट डालना भूल गया तो अपना मोबाइल नंबर इसमें डालता हूँ। सपोज़ 9999030
3663। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। या तो आप एंटर मार के सेव कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल ए दबाकर भी इसको पूरे को ऑटोमेटिकली सेव कर सकते हैं। आप नहीं चाहते बार बार एंटर प्रेस करें, तो आप कंट्रोल ए करके भी सारी फंक्शन सेव कर सकते हैं। देन अब मेरे को एक कंपनी और बनानी है। सपोज मैं एक कंपनी और बनाई, मैंने एक कंपनी बनाई करण लिमिटेड। क्या मैंने फर्म बनाई अपनी? करण लिमिटेड। मैंने यहाँ पर डाला करण लिमिटेड, मैंने डाला यहाँ लुधियाना। क्या डाला? लुधियाना। ठीक है, देन इंडिया। लुधियाना कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा। देन फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये आप समझते हैं। इसमें कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है, तो मुझे एज इट इज़ को सेव करना है। एज इट इज़ मेरे को क्या करना है? सेव करना है। तो सेव करने के लिए क्या करूँगा मैं? कंट्रोल ए हो गया, या तो मैं एंटर मार्केट अपना टाइम वेस्ट करूँ, या फिर मैं एकदम ही कंट्रोल ए कर दूँ, तो सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। मुझे पता है कि मुझे आगे किसी फंक्शन को छेड़ना ही नहीं है, किसी फंक्शन को मुझे यस या नो करना ही नहीं है, मुझे सारे फंक्शन एज इट इज़ चाहिए। तो मैं क्या करा, मैंने कंट्रोल ए कर दिया। देन अब मेरे को कंपनी डिलीट मारनी है। क्या मारनी है? डिलीट मारनी है। मैं राजा ट्रेडिंग कंपनी डिलीट मारना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा? पहले मैं ऑल्टर में जाऊँगा। कहाँ पर गया मैं? ऑल्टर में। ऑल्टर में जाकर के मैंने राजा ट्रेडिंग कंपनी को ओपन किया। देन यहाँ पर मुझे एक शॉर्टकट की यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है? शॉर्टकट की ऑल्ट डी, डी फॉर डिलीट, ऑल्ट डी, देन येस और नो। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखा रहा है, येस और नो। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये तो वाई एंटर, वाई प्रेस कर दी, या फिर Y means yes, या फिर आप enter press कर दीजिए। और अगर आपको delete नहीं करनी है तो N press कर दीजिए। ठीक है, then मेरे को delete करनी है तो मैंने यहाँ पर enter मारा। ये पूछेगा are you sure, आप delete करना चाहते हो? then मैंने कहा yes, तो मैंने फिर enter मारा और ये मेरी कंपनी हो गई भैया delete। then मेरे को करण मेडिकल स्टोर को भी, या फिर ये करण लिमिटेड को भी मेरे को क्या मारना है? delete मारना है। then मैंने enter मारा, enter मार दी। क्या करना है? alt d करना है। alt d करते ही मैंने y दबाया या enter दबाया, yes। ये दोबारा पूछेगा कि आप कंपनी डिलीट मारना चाहते हो? मैंने कहा यस, तो अगेन यस। तो मेरी कंपनी क्या हो चुकी? डिलीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा कंपनी कैसे बनाते हैं, कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, और कैसे कंपनी डिलीट मारते हैं।